अब उस विन विन कोलॉब सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए वी हैव टू बी केयरफुल के वी हैव टू लुक द फैक्ट के हाउ पीपल कैन हार्नेस हार्नेस बेटर हाउ पीपल कैन व्हाट दे ऑलरेडी फील इन चीजों को मद्देनजर रखना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा इस मकसद के लिए देर आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग इज दैट गेट पीपल टू फील द इमोशंस वैल्यूड बाई द ऑर्गेनाइजेशन और टीम हमें सबसे पहले लोगों को इस बात का इतराक देना होगा कि वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो एक वैल्यू रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और लोगों के लिए सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज लेट पीपल मेडिटेट एंड गो थ्रू माइंडफुलनेस ट्रेनिंग बिकॉज उस माइंडफुलनेस ट्रेनिंग से वो अपने कॉन्शियस माइंड को ज्यादा बेहतर तरीके से ब्रुएकार वो ला सकेंगे उस माइंडफुलनेस ट्रेनिंग से दे बी बेटर एबल टू ओवरकम देयर एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेशन बर्नआउट एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो उनके लिए नेगेटिव प्रोसेस वो क्रिएट कर सकते हैं देयर फोर लोगों की मेडिटेशन लोगों का गौरव फिकर इस बात के लिए जरूरी होगा कि दे आर गेटिंग मोर सेल्फ अवेयर द थर्ड फैक्टर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड गेट पीपल टू री एग्जामिन देयर व्यूज ऑफ अदर्स एक्शन लोग इस बात को जान सकें कि लोगों का रद्दअमल क्यों है और उस क्यों के जवाब के लिए दे आर बेटर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर ओन परस्पेक्टिव The fourth factor that we need to look upon is that it's important to listen when employees express their concern so that they feel they are being heard. ये बहुत जरूरी होगा कि हम उनकी एक्टिव लिस्टिंग उसको ट्रिगर करें यह बहुत जरूरी होगा कि हम लोगों के जज्बात को सुने लोगों के ख्याल को सुने बिकॉज जब तक हम उनको सुनेंगे नहीं तब तक हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनकी मुश्किलात वो क्या हैं और उन मुश्किल को ओवरकम करने के लिए हमारा रद्द अमल वो कैसा होना चाहिए देर आर डिफरेंट एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू द मॉडल द इमोशन यू वॉन्ट टू कल्टीवेट सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स एज वेल सबसे पहली चीज हमें यह देखनी है कि पीपल इन ग्रुप्स कैच फीलिंग्स फ्रॉम अदर्स लोग एक दूसरे से फ्रीक्वेंसी रिसीव करते हैं और वह फ्रीक्वेंसी उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी को या सपोर्ट कर सकती है प्रमोट कर सकती है या डिस्ट्रॉय कर सकती है सो उन फ्रिक्वेंसी की खेल में हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि लोग क्या असरा दूसरे लोगों से एब्जॉर्ब वो कर रहे हैं थ्रू बिहेवियरल मिमिक्री एंड सब्सिक्वेंट चेंजेस इन ब्रेन फंक्शन और ऑब्वियसली उनके जो रिएक्शन हैं वो सब के सब इस बात के मरहूने मिन्नत होंगे कि दूसरे लोग उनके साथ क्या बर्ताव वो कर रहे हैं द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डिस्प्लेड इमोशन पॉजिटिव और नेगेटिव गेट द प्रमोशन सो जो चीज डेमोन्स्ट्रेट हो रही हो जो चीज दिखाई बताई जा रही हो वही चीज है जिसको फ्यूचर में तकवीत वो मिलती है सो so, हमें केयरफुल रहना होगा कि हम क्या पॉजिटिव जज्बात की अक्सी कर रहे हैं कि नेगेटिव जज्बात की अक्का वो कर रहे हैं द थर्ड थिंग इज दैट कॉन्शियसली मॉडल द इमोशंस यू वॉन्ट टू कल्टिवेट इन योर कंपनी आपको ये देखना पड़ेगा कि किन जज्बात को हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं किन जज्बात को हम सुप्रेस करते हैं और इन तमाम चीजों का ताल्लुक क्या है किसी भी काम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए बिकॉज ह्यूमंस के साथ जब आप डील कर रहे हो तो ऑब्वियसली ह्यूमंस अपने जज्बात एहसास के बगैर नहीं हो सकते और किसी भी काम को करने के लिए उनकी उस काम के साथ एसोसिएशन एंड एफिलिएशन का होना बहुत जरूरी है देयर फोर गेट पीपल टू फेक इट टिल दे फील इट और यह बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर फर्ज करें लोग एक काम के साथ एक मकसद के साथ अपनी एसोसिएशन इनर फीलिंग्स के साथ शो नहीं भी कर सकते तो लेट देम फेक इट लेट टेम डेमोन्स्ट्रेट इट फोर्सफुली लेट शो देयर कंसर्न आर्टिफिशियली बिकॉज जब तक वो चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करना एलेबोरेट करना जज्बात के साथ नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे तब तक वो एक्चुअली उसको डीप इन देयर हार्ट बैक इन देयर माइंड वो फील भी नहीं कर पाएंगे देयरफॉर हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इमोशंस की डेमॉन्स्ट्रेशन को प्रॉपरली लेकर चलें इन अ वे जिससे के ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम अचीव हो सके so students, आपको मॉडल करना पड़ेगा उन जज्बात को आपको डेमोन्स्ट्रेट करने पड़ेंगे वो ऐसा साथ आपको पॉजिटिव थिंकिंग डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी ताकि लोग उसको फॉलोअप करें और इवेंचुअली उस असर से वो अपनी जिंदगी को भी डेवलप और ट्रेन वो कर सकें अगर हमें सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि जज्बात इंसान के साथ वाबस्था हैं मुख्त में मुख्तलिफ तरीकों से इंसान डेमोस्ट्रेट करता है कि उसके लिए क्या जरूरी है और वो क्या फील कर रहा है देयरफोर जिस बात को कंट्रोल करना पॉजिटिव कल्चर क्रिएट करना कल्चरल इंटेलिजेंस रखना और ये बात जानना कि लोगों की जरूरतियात क्या है हमारे लिए बहुत जरूरी है टू बिकम एन इफेक्टिव एंड एफिशेंट लीडर